Dear students of class 11th, welcome in SNS maths class. So, आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is permutation combination. ये algebra का टॉपिक है और इसका ये लेक्चर 1 होगा. So, अगले कुछ वीडियोस में हम क्या करेंगे कि permutation combination के टॉपिक को completely समझने की कोशिश करेंगे. So, आज के इस वीडियो में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे और दैट इज फैक्टोरियल, और उस पर रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे साथ में. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, देन परमुटेशन, देन कम्बिनेशन, एंड देन वी सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद परमुटेशन कम्बिनेशन, जिसके अंदर परमुटेशन कम्बिनेशन दोनों ही सिचुएशन आ जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो है हम लास्ट में जाके लास्ट के वीडियो में. सो इसका मतलब ये हुआ कि नेक्स्ट 4 वीडियोस के अंदर ये टॉपिक कम्प्लीटली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे. एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको ना कंप्यूटर एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही, क्योंकि अलजेब्रा के सेक्शन का ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. साथ में जब प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आप स्टडी करेंगे तो वहां पर ये परमुटेशन कम्बिनेशन थोड़ी सी हेल्प भी करेगा. ये टॉपिक हमारा क्या करेगा कि एक सिंपल, जब हम प्रोबेबिलिटी का टॉपिक स्टडी करेंगे तो वहां पर ये हमारी बहुत ही हेल्प करने वाला है. सो ओके, लेट अस स्टार्ट विद ए न्यू कॉन्सेप्ट, दैट इज फैक्टोरियल. सी, कई बार क्या होता है ना कि सपोज करो कि मुझे, मैं ये बोलता हूँ कि आपको कि 1 से लेके 5 तक को मल्टीप्लाई करो, यानी मैंने कहा कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5. ईजी है, ईजी कहोगे कि अच्छा इसे तो मल्टीप्लाई ही करना है भाई. 5 इंटू 4 20 होता है, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो हम कह देंगे कि आंसर इज 120. ओके, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 से लेके 10 तक का मल्टीप्लीकेशन करो, वट एवर नेचुरल नंबर्स आर देयर राइट फ्रॉम 1 टू 10, उन सबको मल्टीप्लाई करना, अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि हम पहले क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक के नंबर्स लिखेंगे, अभी उसको फिर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये और भी मुश्किल हो जाएगा अगर ये कोई तुम्हें कह दे कि 1 से लेके 50 तक के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. अब हम कहेंगे कि 1 से लेके 55 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे एक दो पेजेस भी खर्च करने होंगे, स्पेस भी लगेगा और समय भी बहुत लगेगा. और जब हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं ना, तो हमें क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये टीडियस जॉब हो गया, एक मतलब ऐसा काम हो गया कि है तो इजी क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करने जाते हैं तो समय बहुत लगता है. इसी से बचने के लिए, यानी इसको ईजी बनाने के लिए, एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया गया, दैट इज फैक्टोरियल, जिसको कहा गया फैक्टोरियल. और हम फैक्टोरियल को डिफाइन कैसे करते हैं, फैक्टोरियल की डेफिनेशन हम देंगे कि द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड एन फैक्टोरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस. सी, अब ये जो नोटेशन है, बार बार इस तरह से बनाने के लिए दिक्कत होती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने कन्वीनियंस के लिए फैक्टोरियल को इस तरह से लिखेंगे, फैक्टोरियल एन. ओके, दैट मीन टू टाइप ऑफ नोटेशन इज देयर, वन नोटेशन इज दिस वन, अनदर मीन दिस वन. नाउ व्हाट वी आर सेइंग इन दिस डेफिनेशन, हमने डेफिनेशन में क्या कहा, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर. यहां क्या हो रहा है भाई, यहां क्या कर रहे हैं, यहां फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन इट इज सिंपली फैक्टोरियल 5. अब ये मेरा काम आसान हो गया, जैसे आपको कहा गया कि 1 से लेके 50 तक के नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है. सो 1 से लेके 50 तक के जो नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब मेरा आंसर होगा फैक्टोरियल 50. यानी फैक्टोर 50 का मतलब ये हो गया कि हम 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 एंड सो ऑन, इट इज गोइंग अप टू 50. अब क्या करना है कि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन के टॉपिक में, जब हम प्रिंसिपल काउंटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं, तो क्या करेंगे कि हम 1 से लेके 50 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की बजाय हम सिंपली फैक्टोरियल 50 लिख देंगे. यानी हमारा काम हो गया है ना, हमारे काम को आसान बना दिया गया है कि फैक्टोरियल 50 लिखने से हम क्या हो गए, हम बच गए 1 से लेके 50 तक के नंबरों को मल्टीप्लाई करना. तो ये छोटे से कॉन्सेप्ट का यूज इतना ही है, है ना. अब इसमें एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जैसे हमने कहा फैक्टोरियल 1,
तो फैक्टोरियल वन तो वन हो गया, लेकिन फैक्टोरियल जीरो क्या होगा? अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर फैक्टोरियल जीरो हो तो, जरूरत इसकी यहां इसलिए हो रही है कि जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो हो सकता है कि हमें फैक्टोरियल जीरो की जरूरत पड़ जाए। हम फैक्टोरियल जीरो को कि जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इसकी वैल्यू क्या लें। अब अगर मैं इस डेफिनेशन को काउंट करता हूं, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो पहली बार जीरो तो नेचुरल नंबर ही नहीं है, है ना? फर्स्ट थिंग इज जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, और हम कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं कि जीरो से लेके वन तक के जो नेचुरल नंबर है उनको मल्टीप्लाई करना। तो एक कॉन्सेप्ट तो कहता है कि भाई जीरो से जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो सबको जीरो बना देगा, लेकिन जब हम काउंटिंग की बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की बात करते हैं, तो वहां पर हम काउंट करेंगे। अब काउंट करने जा रहे हैं तो काउंटिंग का तो आंसर जीरो नहीं आ सकता है, और जीरो से जब आप कभी किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए क्या किया गया है, हमने इस फैक्टोरियल जीरो को भी वन कंसिडर कर लिया है। सो हम अपनी पूरी कैलकुलेशन के अंदर फैक्टोरियल जीरो को भी वन लेंगे और फैक्टोरियल वन को भी वन लेंगे। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट चीज ये हो गई कि सपोज कि मैं फैक्टोरियल 26 लिखना चाह रहा हूं, तो 26 में पहले मैंने 26 लिखा, है ना? नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे, 25 लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर 24, से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन है ना ये। लेकिन अगर मुझे 26 की जरूरत है, मुझे कैलकुलेशन में बाकी नंबर्स की जरूरत नहीं है, तो मैं ऐसे फैक्टोरियल भी तो लगा सकता हूं। दैट मीन फैक्टोरियल 26 को हम 26 इंटू फैक्टोरियल 25 लिख सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 25 का मतलब क्या होता है, 25 से लेके 1 तक का मल्टीप्लीकेशन। तो हमने पूरी मल्टी, सपोज कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं और वहां पर मुझे पूरा मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, मुझे पूरे को मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंस्टेड ऑफ दैट मुझे सिर्फ 26 चाहिए और फैक्टोरियल 25 भी रहेगा तो चलेगा। तो क्या करेंगे, हम 26 को हमने बाहर रख लिया और फैक्टोरियल लगा दिया। इसका फायदा ये होगा कि सपोज कि नहीं मुझे और भी दो तीन नंबर चाहिए, सपोज हमने स्टार्ट किया 28 से, ओके, सो नाउ हमने लिखा 28, नेक्स्ट 27 लिखेंगे, नेक्स्ट हम 26 लिखेंगे, नेक्स्ट 25 लिखेंगे। अब सपोज करिए कि इसके आगे के नंबरों की मुझे जरूरत नहीं है, तो जहां मुझे रखना है वहां फैक्टर लगाते हैं, क्योंकि आगे के नंबर का मतलब ये हुआ कि 24 से लेके हम 1 तक की बात कर रहे हैं, सो लेट अस राइट इट फैक्टोरियल 24, है ना? इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अगर फॉर्मूले की शक्ल देनी हो तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि फैक्टोरियल n जो है वो n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 के इक्वल होता है, या फैक्टोरियल n जो है n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2 के इक्वल होता है। दैट मीन जहां मुझे रुकना है, जहां से आगे मुझे कैलकुलेशंस नहीं करनी है, वहां पर एक सिंपल सा फैक्टोरियल पुट कर देंगे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है सिंपल फैक्टोरियल, जो हमें प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने में हमारी हेल्प करेगा। सो लेट अस सी एक्सरसाइज 7.2 आपकी एनसीईआरटी बुक की, जो एक्सरसाइज 7.2 है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं। और अगर आप दूसरे किसी बुक में स्टार्ट करेंगे, जैसे आडिशमा या आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर पहले आपको फैक्टोरियल से रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगी, देन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में क्या है कि पहले प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दिया गया है, तब 7.2 एक्सरसाइज के अंदर फैक्टोरियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। जैसे क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फैक्टोरियल 8 की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो बहुत ईजी हो गया हमारे लिए। हमें उसने कहा फैक्टोरियल 8 बताओ, तो हम क्या करेंगे, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 6 से, 6, 5, 4, 3 × 2 × 1, बस इन सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, है ना? हम इन सब नंबर को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा। सो सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर, दैट इज देयरफॉर आई एम नॉट टेकिंग दिस क्वेश्चन, है ना? मल्टीप्लाई मैं नहीं कर रहा हूं। आई होप कि यू ऑल नो मल्टीप्लीकेशन, दोज हु आर इन क्लास 11 दे नो द मल्टीप्लीकेशन, यस? तो फिर कर लेना भाई अगर आता है तो, है ना? ओके, सी फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल फैक्टर 4 माइनस फैक्टोरियल 3, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। यानी एक तरीके से इस एक्सरसाइज को ऐसे समझ लेना है कि ये एक्सरसाइज हमें क्या कर रही है कि मैं थोड़ा सा फैक्टोरियल का आइडिया देने की कोशिश कर रही है। ओके, ऐसे लिखेंगे ना, सो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, या 3 × 2 = 6। So, 24 में से हमने 6 को माइनस किया तो कितना आ गया, 18, यस ना? ठीक है ना? ये फैक्टर 4
फोर मीनिंग फोर थ्री जा ओके फोर थ्री जा 12 टू 24 ओके अब देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे स्टूडेंट ने इसको ऐसे लिखने की कोशिश की. उसने फैक्टोरियल 4 को लिखा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3. अभी क्या करते हैं कि फैक्टोरियल 3 को कॉमन कर लेते हैं. फैक्टोरियल 3 को कॉमन करेंगे तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल 3. सो इवन अगर एक स्टूडेंट अपने आंसर को 3 फैक्टोरियल 3 लिख रहा है तो ये गलत नहीं है, है ना. लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इवेल्युएट करने का मतलब, इसका मतलब हम नंबरों में आंसर ढूंढ रहे हैं, तो एट दैट टाइम 18 हम लिखेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा. ओके सी और क्या क्वेश्चन है भाई. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 क्या फैक्टोरियल 7 होगा. देखने से तो नहीं लग रहा लेकिन चलो चेक कर लेते हैं भाई. फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6. ये हो गया हमारा फैक्टोरियल 3. ओके तो हमने फैक्टोरियल 4 को भी चेक कर लिया. तो 4 ऐसा नहीं लगता कि 4 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है, और फैक्टोरियल 3 तो अभी कैलकुलेट किया है तो 6 4 24 होगा. ये दोनों का सम लिखना है तो फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 हो गया 30. लेकिन जब फैक्टोरियल 7 को लिखना शुरू करेंगे तो 7 आएगा 6 आएगा. सी मैं आगे क्यों नहीं लिख रहा हूं कि यहीं पर 7 इंटू 6 7 6 का 42 हो गया. तो ऑलरेडी हम 42 पहुंच गए, है ना, नंबर 42 हो गया है. और अभी इनका सम को हम 30 कहने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, क्या ये इक्वल है. नहीं भाई ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, है ना. फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के इक्वल नहीं है. ओके अगेन यू हैव टू कंप्यूट ना, कैलकुलेशंस करनी है, छोटी सी कैलकुलेशन है बस. कैलकुलेशन में ध्यान क्या रखना है, जैसे हमने स्टार्ट किया फैक्टोरियल 8 को हमने लिखा 8 इंटू 7, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है इसलिए क्या करेंगे आगे कैलकुलेट करने के बजाय फैक्टोरियल 6 लेंगे. यहाँ पहले से फैक्टोरियल 6 है और फैक्टोरियल 2 हो जाएगा 2 इंटू 1. अब ये 6 6 कैंसिल कर दीजिए 2 से, इसको 2 से 4 ना, तो 7 4 जा 28. अब हम कह देंगे कि 28 हमारा आंसर हो गया. क्वेश्चंस आर सो सिंपल, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है x का वैल्यू फाइंड आउट करो. 1 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8. ओके सो हमने क्या किया, इसको स्टार्ट किया. अभी देखिए एक चीज, यहाँ छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाएगा. फैक्टोरियल 6 ये जो नंबर है 7, इसको हम लिख सकते हैं ना इस तरीके से. फैक्टोरियल 8 को अगर मैं लिखना चाहूं तो 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं ना. अभी सभी में से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो सकता है कॉमन करके, नहीं फैक्टोरियल 8 को हमने लिखा 8 इंटू 7 और साथ में फैक्टोरियल 6 लिख दिया. अभी सभी टर्म्स के अंदर फैक्टोरियल 6 था और सभी टर्म के अंदर जो सबसे छोटा नंबर है ना फैक्टोरियल 6, हमने क्या किया सबको फैक्टोरियल 6 बना दिया. अब जैसे हमने सबको फैक्टोरियल 6 बनाया तो यहां फैक्टोरियल 6 कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यहां 1 बाई 7 आएगा और यहां आएगा x बाई 8. ठीक लग रहा है ना, ये x बाई 8 इंटू 7 आएगा. 6 ही तो कैंसिल हुआ है, 7 एलसीएम ले लो तो कितना आएगा 8 बाई 7 इज इक्वल टू x 8 इंटू 7. 7 को कैंसिल करते हैं तो x इक्वल टू 64 हमारा आंसर हो जाएगा. यानी सिंपल कैलकुलेशंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें एक्सरसाइज के अंदर. जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इवेल्युएट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r व्हेन n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2. सेकंड पार्ट में कह रहा है n जब 9 हो और 5 हो तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगेन क्वेश्चन इज सिंपल वन, मैं एक क्वेश्चन को ट्राई करके देखता हूं. n को 9 का है तो फैक्टोरियल 9 लिख दो, n माइनस r सो 9 माइनस 5 यानी फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 4 लिखना है. अब 9 को हम लिखना शुरू करेंगे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2. क्या जरूरत है, यहाँ फैक्टोरियल 4 लगा के इनको लिखनी जरूरत ही नहीं थी ना. यस ना, इतना ही बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन में ताकि हमारा समय भी बचे. नहीं अब हमें क्या करना है, हमें 9 से लेके 5 तक के नंबरों को मल्टीप्लाई करना है
और जैसे हम इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये वट एवर क्वेश्चन था देयर इन एनसीईआरटी ना, एनसीईआरटी में इस सेक्शन में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो थोड़े इजी हैं, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है और जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 7.6 एनसीईआरटी बुक्स हैं। हमने इस फर्स्ट वीडियो में परमुटेशन कम्बिनेशन के फर्स्ट वीडियो में व्हाट वी हैव लर्न, हमने फैक्टोरियल कि व्हाट वी मीन बाय फैक्टोरियल एंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 रिगार्डिंग विद क्या कहते हैं कि हमारी जो फैक्टोरियल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चन, कुछ और अगर क्वेश्चन आपको करने हैं तो आदि शर्मा की बुक से जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो फर्स्ट वीडियो होगा इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम सॉल्विंग टॉपिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग करके वीडियो हम अपलोड करेंगे जिसमें कुछ अच्छे फैक्टोरियल के क्वेश्चन, अच्छे से मतलब कुछ ट्रिकी क्वेश्चन, कुछ जिसमें थोड़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करनी हो, थोड़ी रीजनिंग अप्लाई करनी हो, ऐसे क्वेश्चन को हम उस वीडियो में इंक्लूड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग माई चैनल, थैंक्स।